الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية فعليكم الجماعة والمسجد أو كما قال عليه الصلاة والسلام مخدوم گرامی قدر عالم ربانی حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم اور آپ تمام قابل قدر بھائیوں اور بزرگوں, میرے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ علم و عمل, اخلاق و اخلاص کے اس مرکز میں اور اس بافیض خانقاہ میں آپ سے کچھ کہنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب کو اللہ نے بڑی خوبیوں سے نوازا ہے, لیکن ان کی ایک خوبی جس سے کم از کم مجھے زیادہ تأثر ہوتا ہے وہ ان کا قرآن مجید سے براہ راست استنباط و استشهاد ہے, ملک کے حالات میں بھی اور ملت کے حالات میں بھی. میں بھی قرآن مجید کا ایک ادنا طالب علم ہوں, اس لیے اپنی اس گفتگو کو قرآن مجید کے دو واقعات کی روشنی میں شروع کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے, قرآن مجید میں دو اہم سورتیں ہیں اور دو کمزور سمجھی جانے والی مخلوقات کا واقعہ ہے. چیونٹیوں کے نام سے ایک سورت ہے سورہ نمل, شہد کی مکھیوں کے نام سے ایک سورت ہے سورہ نحل. غور کیجئے کہ اللہ نے قیامت تک پڑھے جانے والے اپنے عظیم الشان انقلاب آفرین اور قوموں کی تقدیر پلٹ دینے والے کلام میں ان دو کمزور مخلوقات کا تذکرہ کیوں فرمایا؟ اور اگر صرف واقعہ آ جاتا تب بھی بات سمجھ میں آتی, لیکن پوری سورت اتاری گئی چیونٹیوں کے نام سے بھی اور شہد کی مکھیوں کے نام سے بھی. یہ صرف اس لیے ہے تاکہ وہ اہمیت دل میں اتاری جائے جو ان واقعات کے ذریعے اللہ تعالیٰ اہل ایمان تک پہنچانا چاہتا ہے, اور اس سبق کو لوگ حاصل کریں جو ان واقعات کے ضمن میں ہیں. چیونٹی بھی کمزور ہے, شہد کی مکھی بھی معمولی ہے, لیکن چیونٹی اور شہد کی مکھی جیسی حقیر مخلوق کو جو چیز طاقتور بنا دیتی ہے وہ ان کا نظم اجتماعی ہے, ان کی اجتماعیت,
उनकी वहदत। क़ुरान ने सिर्फ चींटी का ज़िक्र नहीं किया, चींटियों की सरदार का ज़िक्र किया। قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون। एक कायद का ज़िक्र किया, एक बेदार मग़्ज़ रहबर व रहनुमा का ज़िक्र किया, एक ऐसे सरदार का ज़िक्र किया जो अपनी जान बचाने के बजाय अपनी कौम की जान बचाने के लिए आगे आए और ये कहे कि ला यहतिमन्नकुम सुलेमानु व जुनूदुहु वहुम ला यशऊरून। जिस सरदार चींटी ने ख़तरे को महसूस किया था, अगर उसके अंदर खौफ होता, बुजदिली होती, मफाद परस्ती होती, खुदगर्जी होती, अपने लिए जीने का मिजाज होता, तो बजाय इसके कि वो अपनी कौम को ख़बरदार करने के लिए आगे आए और एक तरह से अपनी जान की कुर्बानी पेश करे, वो तो कोई आफियतगाह तलाश करती, कहीं अपनी जान बचाने की कोशिश करती। क़ुरान ने बताया कि कायद रहबर व रहनुमा और अमीर वही होगा जिसके अंदर इनकार ज़ात हो और ईसार और क़ुरबानी का जज्बा हो। और क़ुरान की इस आयत में आप गौर कर लीजिए कि कैसा सबक पिन्हा है कि कायद के अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि वो ख़तरात का पहले से अंदाज़ा करे, जैसे उसने अंदाज़ा किया, फिर वो अपनी कौम को बाखबर करे, और तीसरी बात ये कि कायद और अमीर की ज़िम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है कि वो ये बताए कि हालात बहुत सख्त हैं, मुश्किलात आ रही हैं, मसाइब की बदलियाँ छा रही हैं, तूफ़ान बला खेज़ उठ रहे हैं और खसो खाशाक को बहा कर ले जाने वाले सैलाब उमट कर आ रहे हैं। कायद की ज़िम्मेदारी ये है कि वो दर्द भी बताए और दवा भी बताए, वो ज़ख़्म भी बताए उसका मुदावा भी बताए, वो परेशानी भी बताए और उसका हल भी बताए, वो बीमारी भी बताए और उसका इलाज भी बताए। सिर्फ़ उस चींटी ने जो कायद थी ये नहीं कहा कि तुम ख़बरदार हो जाओ, एक मुसीबत तुम्हारे ऊपर आ रही है, नहीं, पहले हल बताया कि या अय्युहन नमल उदखुलु मसाकिनकुम, फिर उस मुसीबत से ख़बरदार किया कि ला यहतिमन्नकुम सुलेमानु व जुनूदुहु वहुम ला यशऊरून। पहले हल बता रहा है, बताया जा रहा है कि बिलों में दाखिल हो जाओ, अपनी हिफाजत का सामान कर लो, ख़बरदार हो जाओ, चौकन्ने रहो। वही जो सबक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अल्फाज में दिया था कि अंतुम फी रिबातिन दाइम, हर वक्त तुम महाज पर हो, चौकन्ने और मोहतात और होशियार रहो, ऐसा न हो कि बेखबरी में मारे जाओ। और वो जो सूरह आले इमरान का ख़ुलासा एक आयत में अल्लाह ने जमा फरमाया, जो आखिरी आयत है सूरह आले इमरान की, कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु सबिरु वसाबिरु वराबितु वत्तकुल्लाहा लअल्लकुम तुफ्लिहून। जहाँ हक पर जमने की बात कही गई और हक पर दूसरों को जमने की दावत की बात कही गई, वहीं ये कहा गया कि चौकन्ने रहो, राबितु, होशियार रहो। किसी भी जिंदा कौम और मिल्लत के लिए ज़रूरी है कि वो अपने हुकूक़ की हसूलियाबी के लिए होशियार रहे, बेदार रहे, तैयार रहे, और इन मकासद के लिए हमेशा अपने आप को समझदार बना कर रखे। क़ुरान पाक बता रहा है कि चींटियों जैसी हकीर मखलूक को गालिब बनाने वाली जो चीज़ है वो उनकी इज्तिमाईयत है। एक अमीर के पीछे चलना, उसकी बात मानना, सर तस्लीम खम करना, आइंदा के लिए पेशबंदी करना। आप चींटियों की तफसील पढ़िए कि किस तरह वो ज़िंदगी गुजारती हैं,
किस तरह वो एक मौसम में अगले मौसम के लिए अपनी खुराक का इंतज़ाम करती हैं, और सिर्फ अपनी खुराक नहीं, एक इज्तिमाई नज़्म के तहत हर एक के ज़िम्मा एक काम सुपुर्द किया जाता है कि इतनी मिकदार में खुराक तुमको लेकर आना है और जमा करना है, ताकि अगले मौसम में हम पूरी तरह हिफाजत के साथ अपने बिलों में ज़िंदगी गुजार सकें। क़ुरान पाक ने अगर वाक़िया बयान किया है तो इसलिए नहीं कि हज़रत सुलेमान का एक क़िस्सा है, यह हज़रत सुलेमान की अज़मत बयान की जा रही है, या चींटियों की ज़ुबान समझने की उनकी सलाहियत बयान की जा रही है। ये बताया गया है कि कायद की सिफात क्या होंगी और उसके मातहत रहने वालों का मिजाज क्या होगा। अगर ये मिजाज है कि हम किसी को नहीं मानने वाले, हमें किसी की बात पर ध्यान नहीं देना है, हमें हमेशा बदगुमान रहना है, हमेशा हमें कमज़ोर पहलू तलाश करने हैं, हमेशा मक्खी की तरह हमें गंदगी और गिलाजत और नजासत और ऐब की तलाश ही में रहना है, तो फिर समझ लीजिए कि कायद ना आपको मयसर आएंगे, ना बेहतर क़यादत आपको मिलेगी, ना आप इस सरज़मीन पर सुरखरू और फतेहयाब हो सकेंगे। क़ुरान पाक नुस्खा बयान कर रहा है। एक तरफ इस वाक़े में अगर ज़्यादा अहमियत के साथ कायद और इमाम और रहबर की सिफात बयान हुई, तो दूसरे वाक़े में शहद की मक्खियों के वाक़े में अल्लाह ताला ने मातहत लोगों के लिए ज़ाबता और उसूल बयान किया और बताया, वौहा रब्बुक इला नहल अन इत्तखिज़ी मिन अलजिबाल बुयूता व मिन अश्शजर व मिम्मा यअरिशून। ये आयत बता रही है कि मातहत लोगों को किस तरह अपने मुफव्वज़ा उमूर में लग जाना है, अपने काम से काम रखना है, अपनी मेहनत और जिद्दोजहद को बढ़ाते जाना है, आला मेयार तक पहुँचाना है, अपने कायद के दिए हुए काम को पूरी मजबूती के साथ अंजाम देना है, दाएं बाएं नज़र रखे बग़ैर अपने मकसद पर तवज्जो मरकूज करनी है। अगर तवज्जो मकसद पर मरकूज रहेगी तब ये सूरत हाल होगी कि शहद जैसी पाकीज़ा नेमत मुयस्सर आएगी। जब शहद जैसी पाकीज़ा नेमत इस निज़ाम के तहत वजूद में आ रही है, तो जो शहद की मिठास है उसके पेश नज़र ये समझिए कि कौमों को कामयाबी की मिठास, सुरखरूई की मिठास, अपने हरीफों पर गलबे की मिठास, अपनी कौम को मिन हैसुल कौम और अपनी जमात को मिन हैसुल जमात आगे बढ़ाने की हलावत और मिठास उसी वक्त हासिल होगी जबकि हम किसी अमीर के मातहत, किसी रहबर के मातहत अपने कामों को, अपने मुफव्वज़ा उमूर को पूरी तवज्जो के साथ और पूरी मेहनत के साथ और पूरे अखलास के साथ अंजाम देंगे। ये दो वाक़ियात हैं क़ुरान पाक के जिनमें अल्लाह ने रहबरी फरमा दी कि किस तरह तुम रूए ज़मीन पर सुरखरू हो सकते हो, किस तरह तुम आगे बढ़ सकते हो, किस तरह मातहत लोगों को सलूक करना है, किस तरह कायद को रहबरी करनी है, कायद किस तरह खुद बेगर्ज होकर मफादात से अलग हटकर खौफ से परे होकर बेनियाजी के शान के साथ और एक अल्लाह पर तवक्कुल और एतमाद की दौलत के साथ आगे बढ़े और फिर कौम उसका साथ दे। हमेशा याद रखिए, क़यादत आसमान से नहीं उतरती, क़यादत ज़मीन पर तैयार होती है, और क़यादत तैयार करने वाले लोग आम लोग होते हैं। वो आगे बढ़कर कहते हैं कि समिअना व अताना, हमने सुना हम इताअत करेंगे। उनकी इताअत कायद को कायद बनाती है, उनका मानना कायद को कायद बनाता है, उनका पीछे चलना कायद को तकवीयत अता करता है। हमेशा याद रखिए, दुनिया में किसी मुतालबे को इसलिए नहीं कबूल किया जाता कि वो कितना माकूल है या कितना गैर माकूल है, मुतालबात इस वजह से कबूल किए जाते हैं कि इस मुतालबे के पीछे अफरादी कुव्वत कितनी है। अफरादी कुव्वत अगर आपके मुतालबे के पीछे ज़्यादा है,
आपका मुतालबा नामाकूल हो तब भी लोग उसको तस्लीम करेंगे, आपका मुतालबा समझ में ना आने वाला हो तब भी लोग उसके आगे सर झुकाएंगे, इसलिए कि आपके पास अफरादी कुव्वत होगी और उस मुतालबे को मनवाने की सलाहियत होगी। हमारे साथ मुश्किल ये हो गई, बहुत बड़े अदीब गुज़रे हैं रशीद अहमद सिद्दीकी, उन्होंने ये बात लिखी है कि इस उम्मत का मसला ये है कि अब इसमें मुक्तदी से ज़्यादा इमाम पैदा होने लगे, मुक्तदी कम हो गए हैं, इमामों की पैदाइश बल्कि विलादत बासहादत ज़्यादा हो रही है। अब जब अइमा की कसरत होगी मुक्तदी मौजूद नहीं होंगे तो वो बेचारे इमाम करेंगे क्या। इमाम साहब ने नियत बांधी अल्लाहु अकबर और पता चला कि पीछे एक मुक्तदी भी नहीं। तो वो हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मद्दी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में है कि नमाज बा जमात के बड़े पाबंद थे, सफ़र में भी नमाज बा जमात पढ़ते थे, ट्रेन कहीं रुकी नमाज के लिए खड़े हो गए, पीछे मुरीदीन इमाम हज़रत ख़ुद नमाज पढ़ा रहे हैं, इधर ट्रेन ने सीटी दी। अब जो सीटी की आवाज़ मुरीदीन ने सुनी वो तो सब हम ही लोग होंगे हमारे ही जैसे, तो सीटी की आवाज़ सुन के लोगों ने सोचा कि पीर छूट जाए ट्रेन न छूटे, तो सब भाग गए, फर्र या फिर्रू की गर्दान पड़ी, हरब या हरूबू, और सब ट्रेन में सवार और पीर साहब तन्हा नमाज़ पढ़ा रहे हैं, पीछे मुक्तदी सब गायब। अच्छा, हजरत इत्मीनान से नमाज़ पढ़ाते रहे, ट्रेन चल भी पड़ी, लेकिन अजीब बात हुई कि ट्रेन ज़रा चली और कुछ ख़राबी हुई और रुक गई, और फिर इन्होंने नमाज मुकम्मल फरमाई। अब जब पलट कर देखा तो इमाम तो हाज़िर और मुक्तदी गायब, सेगा जमा गायब सारे के सारे। तो अब वो बेचारे मुरीदीन दौड़ के आए और कहने लगे कि हज़रत माफ़ कीजिएगा, वो ट्रेन की सीटी की आवाज़ सुनाई दी, हम घबरा गए और दौड़ कर गए, सामान भी था असबाब भी थे, हम मुरीदों के पास तो बहुत सारे लताइफुल हियल भी होते हैं, तो वो सब हम लोगों ने माश मतन व शर्फ बयान फरमाए। तो हज़रत ने एक जुमला कहा कि नहीं, माजरत की ज़रूरत नहीं है, अगर ट्रेन की सीटी की आवाज़ मैं भी सुन लेता तो मैं भी नियत तोड़ के आ जाता। यानी नमाज में इस कदर इन्हमाक था कि वो ज़ोरदार आवाज़ भी उनको सुनाई नहीं दी। जो सुनाना था इस वाक़े से वो ये कि इमाम हाजिर है और मुक्तदी गायब है। तो अगर ये सूरत हाल होगी कि इमाम ज़्यादा हैं और मुक्तदी है ही नहीं, तो फिर क़यादत नहीं तश्कील पाएगी, फिर कौम सही रुख पर नहीं जा सकेगी। देखिए क़ुरान पाक ने किस कदर इत्तेहाद व इत्तेफाक का, यकजहती का, इज्तिमाईयत का हमें दर्स दिया, इरशाद हो रहा है, वअतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकु, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और टुकड़ियों में और जमातों में तकसीम न हो जाओ, अल्लाह की मदद इज्तिमाईयत के साथ है, अलैकुम बिल जमाअ फ़इन्न यदल्लाहि अलल जमाअ, इज्तिमाईयत को लाजिम पकड़ो, इसलिए कि अल्लाह की मदद, अल्लाह का हाथ इज्तिमाईयत के साथ है। अल्लाह का हाथ मतलब उसकी मदद, उसकी नुसरत, उसकी तरफ से भेजी जाने वाली इमदाद। वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम, मदद तो सिर्फ़ ज़बरदस्त और हिकमत वाले अल्लाह की तरफ से होती है, और वही मदद मग़लूब को ग़ालिब और महकूम को हाकिम बनाती है। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, अल्लाह की मदद ही कदमों के साबित रहने का और इंसान के जम जाने का ज़रिया होती है। अल्लाह की मदद कौमों को ग़लबा अता करती है। तो अल्लाह की मदद व नुसरत अगर हासिल करनी है तो इज्तिमाईयत को लाजिम पकड़ना होगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान के लिए शैतान भेड़िए की तरह है, अश्शैतानु ज़िब्बुल इंसानी का ज़िब्बुल गनम, जैसे बकरियों के लिए भेड़िया होता है जो इधर उधर भटकने वाली बकरियों को उचक कर ले जाता है, या खुजुशातल कासिया, जो रेवड़ से अलग हो गई, जो गल्ले से अलग हो गई उसको भेड़िया उचक कर ले जाएगा, उसी तरह इंसानों को शैतान उचक कर ले जाएगा अगर वो इज्तिमाईयत से अलग हो जाएं, अगर वो नज़्म जमात से अलग हो जाएं, अगर वो अपनी डेढ़ ईंट की मस्जिद अलग अलग बनाएं, अगर वो अपने मफादात के तहत
किसी को तस्लीम करने के लिए आमादा ना हो तो फिर शैतान का गलबा होगा और शैतान उचक कर ले जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इसका इलाज ये है कि अगर शैतान से बचना चाहते हो, अगर तागूती निज़ाम के शुरूर से अपने आप को बचाना चाहते हो, अगर तुम अपनी मिल्लत को आगे बढ़ाना चाहते हो, अगर तुम अपना और अपनी कौम का तहफ्फुज़ चाहते हो, जान का, माल का, इज्जत का, आबरू का, तो फिर सुन लो, फअलैकुमुल जमाअत वल मस्जिद, इज्तिमाईयत को लाजिम पकड़ो और मस्जिद को लाजिम पकड़ो। मस्जिद को लाजिम पकड़ने की बात भी इसीलिए आई है कि नमाज के ज़रिए इज्तिमाईयत का जो सबक मिलता है वो किसी और दूसरे ज़रिए से नहीं मिल सकता है। क्यों ये कहा गया कि अकीमुस्सलाता व आतुज़्ज़कता वरकऊ मअर्राकीईन। नमाज के क़याम की बात तो पहले टुकड़े में कही जा चुकी, लेकिन फिर दोहराया कि वरकऊ मअर्राकीईन, कि अलग अलग कमरों में, अपनी अपनी जगहों पर, बाज़ार में, दुकान में, खेत खलियान में नमाज पढ़ने के बजाय मस्जिद में नमाज पढ़ो, मस्जिद में आओ, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, सजदा करने वालों के साथ सजदा करो, ताकि इस्लाम का नज़्म इज्तिमाई तुम्हारे दिल में पैवस्त हो जाए और तुम समझ लो कि दुनिया वालों के लिए जो रास्ता हो सो हो, हमारे लिए रास्ता इज्तिमाईयत का है। हमारे लिए रास्ता क़ियादत को तस्लीम करने का, हमारे लिए रास्ता तस्लीम व इनक़ियाद का, हमारे लिए रास्ता वो जो इस तरह सिखाया गया था कि इज़ा दुऊ इलल्लाही व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यकूलू समिअना व अतअना। ये सिर्फ सहाबा के लिए नहीं है, हर दौर में जो अंबिया के वारिस होंगे, जो अंबिया के रास्ते पर चलने वाले होंगे, जो नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस होंगे, जो उनकी सिफात को अपनाने वाले होंगे, जो उनके शमाइल को अपनाने वाले होंगे, जो उनकी तरह मिल्लत के दर्द से मामूर होंगे, जिनके अंदर तड़प कुढ़न और फिक्र होगी, तुम उन लोगों के लिए वो तरीक़ा इख्तियार करो जो बयान हो रहा है। समिअना व अताना, हमने सुना, हमने इताअत की, हमने सुना, हमने मान लिया, हमने सुना और हमने इस रास्ते को अपना लिया। याद रखिए, हमारे जवाल का, बेबसी का, हमारी बेकसी का, हमारी परेशान हाली का, हम पर कौमों की यलगार का, कौमों के तसल्लुत का, और ऐसे लोग जिनको इस्तिंजा का तरीक़ा नहीं, जो दुनिया की इमामत का कोई निज़ाम नहीं जानते, अलिब्बा नहीं जानते, वो लोग जिनके पास ना हमारी तरह की ज़हानत है, ना हमारी तरह की तालीमात है, ना उनके पास कौमों की तकदीर बदलने वाला कलाम पाक है, अगर वो हम पर मुसल्लत हैं तो समझ लीजिए कि इसकी वजह यह है कि हमने वो इज्तिमाईयत का रास्ता छोड़ा जो हमारी कामयाबी की शाहकलीद थी। हमने वो नज़्म इज्तिमाई हमने तर्क कर दिया जिसकी वजह से हमें सुरखरुई हासिल होती। आज हमारी बेबसी इस हाल को इस नौ यहाँ तक पहुँची हुई है कि जो चाह रहा है हम पर यलगार कर रहा है, यहाँ तक के आखिरी हद हो गई कि हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नहायत दर्जा गुस्ताखाना बातें कही जा रही हैं। ये इसलिए कि हम मुंतशिर हैं, अगर हम नज़्म इज्तिमाई के तहत होते, अगर हमारी ये क़ुव्वत होती, तो ऐसे गलीज, मनहूस, खबीस और नापाक लोगों को कभी ये जुरत ना होती कि वह हुजूर की शान अक़दस में गुस्ताखी करें या आपकी सीरत और शमाइल पर कीचड़ उछालें। हमारे इंतशार ने, हमारे आपस की दूरियों ने और हमारे मफादात के पीछे चलने ने ये मौका उनको फराहम किया है कि कायनात की सबसे मुकद्दस हस्ती को ऐसी मस्खशुदा छबी में पेश किया जा रहा है जो हमारे दिल का नासूर है। आप देखिए कि अभी कल जो गुस्ताखी का वाक़या हुआ है किस कदर शदीद है, किस कदर दिल को दुखाने वाला है, कलेजे को चीर देने वाला है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी इंसानियत के रहबर और रहनुमा हैं और आपके बारे में ये कहा जा रहा है, और हम सिवाय बयान जारी करने के, सिवाय मजम्मत करने के, सिवाय तकरीर करने के, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि हम नज़्म इज्तिमाई के मातहत नहीं हैं, हम एक क़ियादत के मातहत
अगर होते और अगर हम अपने अंदर तस्लीम व इनकियाद पैदा करते, अगर हम अपनी कुव्वत बनाते, अगर हम इस मुल्क में अपने आप को कुरान व सुन्नत के साए में ज़िंदगी गुजारने पर अपने आप को आमादा करते, तो हमारे साथ एक मज़बूत कुव्वत होती, उस कुव्वत के ज़रिए इन फितनों का मुकाबला आसान होता। इसलिए मेरे भाइयों, ज़रूरत है कि हम कुरान और सुन्नत की तरफ लौटें। ये जो कहा जाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े में कामयाबी है, इसका मतलब ये नहीं है कि मिसवाक कर लीजिए और कामयाब हो गए, और लंबा कुर्ता पहनिए और कामयाब हो गए, और कुछ और जो मशहूर सुन्नतें हैं उन पर अमल कर लीजिए और कामयाब हो गए। हुजूर के तरीक़े में कामयाबी का मतलब ये है कि इज्तिमाई जो भी मंसूबे बने, मिल्लत को सुरखरू करने के जो भी मंसूबे बने, मिल्लत इस्लामिया की फलाह बहबूद के लिए जो भी मशवरे किए जाएं, जो भी तदबीरें अख्तियार की जाएं, उनमें अपनी समझ, अपनी अक्ल, अपने तजर्बे, अपनी सलाहियत, अपनी महारत को पेश नज़र रखने के बजाय किताब व सुन्नत को पेश नज़र रखा जाए। हम अल्लाह के रसूल की सुन्नत की तरफ लौटें कि हुजूर का तरीक़ा क्या था, आपने किस तरह मेहनत करके एक नज़्म इज्तिमाई कायम फरमाया, आपने उस नज़्म इज्तिमाई में सबको पाबंद बनाया, आपने ऐलान कर दिया कि अगर कोई हबशी ग़ुलाम भी हो जो तुम पर अमीर मुकर्रर किया गया हो, किशमिश की तरह उसका मुँह हो, यानी शक्ल सूरत भी अच्छी नहीं, समाज में उसका कोई मकाम भी नहीं, गुलाम इब्ने गुलाम हो, तब भी तुम उसकी इताअत करो, इसलिए कि नज़्म इज्तिमाई के बगैर कामयाबी का तसव्वुर नहीं है। ये चीज़ हमारे और आपके समझने की है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े की तरफ हम रुजू करें। हुजूर इरशाद फरमा रहे हैं, कुल उम्मती यदखुलून अलजन्नत इल्ला मन अबा, قيل من يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى। फरमाने बुखारी मुस्लिम दोनों में रिवायत है, इरशाद हुआ कि मेरी सारी उम्मत जन्नत में जाएगी मगर वो जो जन्नत में जाने से इनकार करे। सहाबा को हैरत हुई, पूछा अल्लाह के रसूल जन्नत में जाने से इनकारी कौन होगा? आपने फरमाया सुनो, जो मेरी इताअत करेगा, मेरे रास्ते पर चलेगा, मेरे तरीक़े को इख्तियार करेगा, मेरी सुन्नत को हिर्ज़े जां बनाएगा, मेरे उसवे हसना को मशाले राह बनाएगा, मीनारे नूर समझेगा, वही जन्नत में जाएगा। और जो अपना रास्ता अलग इख्तियार करे, जो सुन्नत से कट जाए, जो मेरे उसवे हसना से कट जाए, सुन लो वही है जन्नत में जाने से इनकार करने वाला। आज किताब व सुन्नत के का हमारे लिए सबसे बड़ा पैगाम यही है कि हम एक मर्तबा फिर अल्लाह की किताब की तरफ और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े की तरफ लौट जाएं। 25 करोड़ की ये मिल्लत अगर सुरखरुई चाहती है तो उसके लिए इक्तदार के नक्शों में सुरखरुई नहीं है, मोहम्मद अरबी की ग़ुलामी में सुरखरुई है। दुनिया ये समझती है कि इज्जत कुर्सी में है, इक्तदार में है, ताकत में है, कुव्वत में है, दौलत में है, शोहरत में है, मनसब में है, लेकिन हम ये समझते हैं कि कामयाबी अगर कायनात में कहीं है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में है। दुनिया ये समझती है आगे बढ़ना कामयाबी है, हम ये समझते हैं कि पीछे हटना कामयाबी है। इतना पीछे हटिए कि हुजूर के दौर में पहुँच जाइए, हुजूर ने जो निज़ाम कायम किया था उसे देखिए, हुजूर ने जो निज़ाम कायम किया था उसे समझिए, उसको अपने दिल में जगह दी जिए, और फिर जितनी सलाहियत अल्लाह ने दी है उस निज़ाम को ज़मीन पर उतारने में वो सलाहियत खर्च कीजिए, तब कामयाबी कदम चूमेगी। और ऐसी वैसी कामयाबी नहीं, अल्लाह दुनिया की भी कामयाबी देगा और आखरत की भी कामयाबी देगा, और अल्लाह दुनिया में भी इज्जत देगा और आखरत में भी इज्जत देगा। इकबाल ने यूं ही नहीं कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या, लौह कलम तेरे हैं। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।